हैं स्वामी ब्रह्मदेव जी जो वेस्ट इंडीज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से पधारे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार रेणुका जी हैं, और अपने बारे में और कुछ भी बताइए। मैं रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हूँ। सन्यास का नाम स्वामी ब्रह्म स्वरूपानंद जी हैं। मैं रामकृष्ण विवेकानंद की परंपरा का हूँ, लेकिन मैं सन्यास लेने के बाद ही वेस्ट इंडीज चला गया। इसके पहले मैं हॉलैंड में महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। अच्छा। वहाँ से रिटायर होने के बाद पहले से ही हमने वहाँ पर एक जगह ली थी, आश्रम छोटा सा बनाया है। और हमारी हेमलता दीदी जी जो यहाँ के संस्था की वहाँ हेड हैं, इन्होंने प्रेरणा देकर यहाँ एक साल पहले, ये दूसरा साल हो रहा है, मैं 1.5 साल का बच्चा हूँ इस संगठन के लिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परिचय आपने बताया। तो ये जो आप 75th प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस में आए हैं, और बेहद घर में आए हैं, बेहद घर में सेकंड विजिट है आपकी इस बेहद घर में? अच्छा, तो आपको कैसा, अब कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपको लास्ट 75 ईयर्स की हिस्ट्री समझ में आ रही है और बहुत वृहद तरीके से सब कुछ आपको। पहली बार जब आया था तो जैसे छोटे बच्चे आंखें फाड़ के ऐसे देखते रहते हैं, तो देख रहा था, वॉच कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, क्यूरियासिटी थी एक। लेकिन अब आया हूँ तो ये लोग कह रहे हैं कुछ बोलिए, तो मैं 4 लेक्चर अभी वहाँ दिया, लेकिन मैं बच्चा हूँ, नहीं समझता ना, कोई फिलॉसफी नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ समझता हूँ कि यहाँ के लोगों में आंखें बड़ी निर्दोष पवित्र हैं, और दूसरा इनके भीतर शांति भीतर भी है और इस वातावरण में भी है। अगर पवित्रता और शांति, ये दो गुण आ गए तो सारे गुण तो अपने आप चले आते हैं, जैसे के पीछे नया बच्चा दौड़ता है वैसे आ जाते हैं सारे गुण। पवित्रता जननी है, पवित्रता जननी है, पवित्रता और प्रेम हमारे 3 शब्द हैं, पवित्रता प्रेम और प्रज्ञा, प्रज्ञा माने ज्ञान। अगर ये 3 की वस्तु की प्राप्ति हो गई, समझे, तो सब धन संपत्ति अपने आप आए, जितनी दैवी संपत्ति है गीता के 16वें अध्याय में, सब संपत्ति अपने आप आ जाए। तो एक प्रश्न है आपसे कि हु इज एट वर्क इन दिस यूनिवर्सिटी, क्या आप समझते हैं कौन कार्य कर रहा है? देखिए, यहाँ तक अभी चला हूँ यात्रा में, वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं इसको यूनिवर्सिटी नहीं कहता, इसको मैं मल्टीवर्सिटी कहता हूँ। यूनि माने 1, माने कोई एकाक्षी पढ़ाई जाती है, ये तो मल्टीवर्सिटी है। यहाँ ऐसी कोई आयाम नहीं है जिंदगी का जिस पर चर्चाएं न हो रही हों। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसको चलाने वाला, हम इतने को जानते हैं कौन चल रहा है, चलाने वाले कौन है इस पर अभी हमारी नहीं पहुंच पाए। क्यों? वो जो सिद्ध होंगे वही बता पाएंगे, और हम सिद्धता के पक्ष में नहीं है, हम तो शुद्धता के पक्ष में हैं। अपने आप काम बन गया और हम सिद्ध बनने के, और जो सिद्ध बन गया उसी को प्रसिद्ध कहा गया है। अब तो छोटे छोटे लोग प्रसिद्ध बन रहे हैं ना, तो हम शुद्धता के पक्ष में हैं। अब यहाँ शुद्धता की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इज गॉड एट वर्क, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी आपसे कि इज गॉड एट वर्क ओवर हियर, ये मैं जानना चाह रही थी, ऐसा क्या महसूस किया आपने, अनुभव किया? महसूस किया है, क्योंकि जो जो मैंने सोचा था जीवन में कुछ नहीं हुआ, जो नहीं सोचा वही हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कोई है, अब वो कौन है, अब वो कौन है इसकी तो खोज करनी पड़ेगी, समझे, उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी, अनुभूति के बाद उसकी अभिव्यक्ति भी करनी पड़ेगी, समझे, लेकिन कोई है। तो वो खोज यहाँ से शुरू कर सकते हैं क्या, ये जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है? खोज कर सकते हैं, लेकिन खोज शुरू होती है 10 दिशाओं में, खोज होती है। एक दिशा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 हो गए, 4 कोने हो गए, 8 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं हो गई ना। लेकिन एक 11वीं दिशा है अपने यहाँ की, यहाँ से जब खोज शुरू करेंगे जब, तो बस तो वहाँ मिल जाएगा, उसमें कोई भारी बात नहीं, और मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमें प्यास लगती है तो पानी है, मुझे भूख लगती है तो भोजन है, सांस से दम घुटता है तो हवा मिलती है। तो मेरी इच्छा है किसी को पाने की तो जरूर होगा, मैं इतना अनजान बच्चा हूँ कि मैं उसको नहीं खोज पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ के वातावरण,
यहाँ की दादियाँ, यहाँ की दीदियाँ, यहाँ की शांति, यहाँ की प्रज्ञा, यहाँ के बाप दादा शायद हमें सहारा दे देंगे। इस भरोसा, भरोसा ही जिंदगी है, यह विश्वास ही जिंदगी। और विश्वास जब सांस में समाती है उसी को विश्वास कहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास है कुछ हो जाएगा। ईश्वरीय सहज राजयोग जो यहाँ पर सिखाया जाता है, तो उसके प्रति आपका क्या भाव है? आप उसके स्टूडेंट बनेंगे? देखिए, स्टूडेंट तो मेरा स्वभाव है। वेरी गुड लर्नर। हाँ, लर्निंग ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, स्टूडेंट बना बने रहना। और यहाँ के वातावरण में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 4-5 हज़ार लोग बैठे हैं तो क्या ये लोग पागल हैं जो यहाँ बैठे हैं? कुछ इनको मिल रहा है ना, या कुछ इनको मिला है ना, या मिलने की उम्मीद है ना? तो इतने लोग बैठे हुए इस सफ़ेद वस्त्र में बैठे हैं, कपड़ा भी सफ़ेद है, और मैं बात करता हूँ तो शब्द से ही पता चलता है कि भीतर भी सफ़ेद है कि नहीं। उनके वचन, उनके नयन आंखें बता देती हैं। आंखें शुद्ध हैं तो वचन शुद्ध होगा। तो इनके जीवन का सफ़ेद कपड़ा, इनके नयन की शुद्धता और इनकी वाणी की मधुरता, मैं समझता हूँ कि यहाँ कुछ मिला है, तभी तो ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन मैंने आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछा था कि आप स्वयं करेंगे कि नहीं। हाँ, मैं करूँगा कि नहीं, ऐसा है कि मैं करूँगा, ये तो फ्यूचर टेंस है ना। जी, जी। और मैं वर्तमान में कहता हूँ मैं कर रहा हूँ, नहीं क्यों आता? मैं कर रहा हूँ इसीलिए तो मैं आया हूँ। फ्यूचर हमारा विषय नहीं है और पास्ट भी हमारा विषय नहीं है। मैं वर्तमान को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं आया हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी रोटी दाल भात मिल रहा है और प्यार प्रेम ये सब मिल रहा है। और मैं अपने ध्यान करने लगा तो बड़ी शांति वहाँ मेरे कमरे में मिल रही है। मैं समझता हूँ वातावरण का भी एक असर होता है, एक डिवाइन एटमॉस्फियर का भी एक असर होता है। और डिवाइन एटमॉस्फियर अपने आप नहीं बनता, वहाँ जो लोग रहते हैं उससे बनता है। मैं उससे बनता। आप कौन सी शुभ प्रेरणा यहाँ से लेकर जाएंगे या जा रहे हैं? यहाँ से जो प्रेरणा है, यहाँ से उत्साह, दो शब्द हैं। कुछ दिशाएं निश्चित करनी है मुझे और अपनी दशा में जीना है। ये दशा और दिशा, इसके लिए मैं प्रेरणा ले रहा हूँ। प्रेरणा ले रहा हूँ कि मैं रामकृष्ण परमहंस का हूँ। रामकृष्ण परमहंस की बड़ी निर्दोष आँखें थीं, वो यहाँ मैंने पाया है दादियों में, उनकी झांका आँखों में, तो लगा कि ये तो शुद्ध है, आँखें हैं। तो यहाँ से प्रेरणा यही लेना है पहले कि यहाँ से जो भी कुछ धरोहर मिलेगी, जो भी कुछ थाती मिलेगी, जो भी वेल्थ प्रॉपर्टी मिलेगी, उस हे दुनिया वालों आओ जरा एक बार चख तो लो। अगर तुझे मीठा ना लगे तो लौट जाना, अगर मीठा लगे तो बस जाना या इनको बसा लेना। यही प्रेरणा लेकर के मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। या स्वामी जी, आपने अपने विचार हमारे साथ रखे और हमें बहुत स्पष्टता से, गहराई से जो आपने अनुभव किया वो हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अच्छा कहा आपने, मैं गंभीरता में विश्वास नहीं करता, गहराई में विश्वास करता हूँ। आपने गहराई का, आज पूरा समाज गंभीर हो गया है। जी, जी, जो देखो साधु भी गंभीर हो गया है। जी, जी, बड़ा मूड बना के बैठा है। अरे गंभीर मत हो, अरे गहरे बनो, बस समझे। तो आपने अच्छा कहा, मैं अपनी गहराई में जीना चाहता हूँ लेकिन गंभीरता को नहीं, मैं अपनी प्रसन्नता में जीना चाहता हूँ। और यहाँ शांति और पवित्रता में तो आनंद, प्रशांति और प्रसन्नता, ये दो मिल जाए बस काफ़ी है। और धन्यवाद आपकी, आपकी पीस ऑफ माइंड के चैनल का, और रेणुका जी आपके, आपकी पूरी टीम को मेरा धन्यवाद कि यह सारा कार्यक्रम लेकर के आप सब जो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पर खराबी बच्चा हो उसको यही कहती है कि मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है। नहीं, 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 चाहे जो भी कुछ बोलूंगा इनको अच्छा लगेगा। ओके, 5 मिनट्स तो बहुत अच्छा। तो आप कुछ पूछिए रेणुका जी, आपकी बुद्धि बड़ी तेज है, आप पकड़ना जानती हैं और पकड़वाना भी जानती हैं। हाँ।
आपने कहा था कि आप यहाँ पर जो खोज है अपनी आध्यात्मिक खोज, और आप लर्नर हैं और आप आध्यात्मिक खोज में सदा निरंतर लगे रहते हैं, तो मैं यही जानना चाह रही थी कि, और हमारे दर्शक भी जो सभी सुन रहे हैं, क्योंकि आपने जो अपना परिचय में बताया कि आप रामकृष्ण मिशन, महेश योगी जी, सब बहुत विस्तार में आपने अध्ययन किया है आध्यात्मिकता में, तो यहाँ पर जब आप आए हैं और दशा दिशा की भी आप बात कर रहे थे, तो कौन सी दशा दिशा आप अगर हमें स्पष्टता से बताएं, कौन सी दशा दिशा किस हिसाब से? देखिए, जिसके पास ज्ञान हो, बौद्धिकता हो, लेकिन हार्दिकता भी होनी चाहिए। किसी के पास हार्दिकता है लेकिन बौद्धिकता नहीं है, और किसी के पास बौद्धिकता है तो सूख गया है, उसकी आंख में आंसू नहीं आता है। मैनेजमेंट में हम इसको 3H कहते हैं, 3 है, हेड, हार्ट और हैंड, यह कहते हैं। और आजकल तो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, इसी को MBA, और हम MBA को पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं 3MMM, मास्टर ऑफ माइन मैनेजमेंट। यस, एब्सोल्युटली। माइंड ही ठीक नहीं रहेगा तो बिजनेस तो क्या करेगा, तो बेच के खा जाएगा जितना कर्जा लिया। आपने रूट कॉज की, शुड बी बेटर, देन माइंड विल बी बेटर, ही विल बी डॉक्टर, गुड डॉक्टर, ही विल बी जज, गुड डॉक्टर, पुलिस विल बी माइंड। सो यह जो स्पिरिचुअलिटी है, ये माइंड को अच्छा बनाती है, और माइंड जो है सोसाइटी को बनाता है, और सारी सोसाइटी, इस देश में माइंड मेकिंग प्रोसेस बंद हो गया है, इसी कारण भ्रष्टाचार, बेईमान है सब करना। माइंड मेकिंग नहीं है, माइंड मेकिंग प्रोसेस जैसे यहाँ हो रहा है, माइंड मेकिंग प्रोसेस, तो माइंड मेकिंग प्रोसेस की आज इतनी आवश्यकता है भारत को। झूठ बोलने में लाज नहीं लगती है, रुपया रख लेने में दूसरे का शान बन रहा है, बेईमानी के पैसे से 3 तल्ले घर बना लिए तो खुशी मना रहे हैं। यह जो मेंटेलिटी है, ये जो है, ये माइंड मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। यह सेंटर जो है यूनिवर्सिटी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये माइंड मेकिंग सेंटर है, और क्यों यह सफल होगा। फिर यहाँ एक प्रश्न है कि आपने माइंड की बात आप कर रहे हैं, पर माइंड तो सूक्ष्म शक्ति है ना, जान नहीं सकते ना। देखिए, माइंड के बारे में सबसे बड़ा खोज करने वाला कोई रहा है तो पतंजलि जी रहे हैं। जैसे साइंस की खोज करने वाले आइंस्टाइन रहे हैं, एटम बम बनाने वाले, वैसे मानवीय मन की खोज करने वाले विश्व में सर्व से वो हमारे वर्तमान आइंस्टाइन हैं, वो पतंजलि। मन का अध्ययन होता है साइकोलॉजी में, लेकिन मन का अध्ययन नहीं हो सकता। मन कुछ नहीं है, वो प्याज है। प्याज के एक पत्ते हटाइए, दूसरा हटाइए, तीसरा हटाइए, अंत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इस मन को उलटते जाए, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ है ट्रांस द माइंड, माइंड के ऊपर उठ जाओ, नो माइंड हो जाओ, महेश योगी जी। हाँ, तो माइंड के जब ऊपर हो जाएंगे तो एक कॉन्शसनेस होगा। अभी तो हम जी रहे हैं चिंता में, फिर जब कोई गुरु मिल गया, कोई अरे राजयोगा का टीचर मिल गया, तो चिंता चिंतन में बदल जाती है, और चिंतन और कोई गुरु पुष्ट कर दिया, पुल कर दिया, तो यह चिंतन चेतना में बदल जाती है, और आप अपना प्रयास करना शुरू किए तो चेतना चिति में बदल जाती है। यह जो चिति है, यह हमारा तत्व है, और ये जितने आध्यात्मिक आंदोलन हैं, चिंता को दूर कर या चिंतन में डालकर, चेतना को जगाकर, चिति में जाके स्थापित कर देते हैं, उसी को शांति कहते हैं। उसको योग भी कहेंगे, योग चित्त को, चित्त को स्टेबल करने। नाम से कोई फर्क नहीं, चाहे रेणुका कहूँ, चाहे धूलिका कहूँ, ये कई अर्थ होता है।